आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। साल 2021 के अब तक के सफर पर नजर डालें तो अक्टूबर नवंबर रबर सेक्टर के लिए बुरा रहा है। खराब मौसम, बारिश से उत्पादन कम रहा है। बेमौसम बारिश के कारण टैपिंग कम हुई है। टैपिंग बढ़ने से अभी रबर की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। रबर टैपिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रबर के पेड़ से लेटेक्स एकत्र किया जाता है। वहीं सप्लाई कम होने से कीमतों में तेजी भी देखी थी। दिसंबर जनवरी में अच्छी टैपिंग होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं कम्युनिटी बाजार के जानकारों का कहना है कि छोटी अवधि में रबड़ की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। चीन में मांग बढ़ने और सप्लाई कम होने से रबड़ के भाव में बढ़ोतरी की उम्मीद है। हालांकि खराब मौसम का असर रबड़ के उत्पादन पर पड़ सकता है, जिसके चलते साल 2022 में रबड़ का उत्पादन कम होने की आशंका है। सेंट्रल साउथ केरल में जल्द पतझड़ आने की आशंका है। रबर का उत्पादन जल्द पतझड़ से कम होगा। जनवरी 2022 में इंपोर्ट की उम्मीद जताई जा रही है। लूनर न्यू ईयर के लिए इंपोर्ट ज़्यादा होगा। जनवरी में रबर का 5 लाख टन का इंपोर्ट हो सकता है। जानकारों का कहना है कि कम उत्पादन, डॉलर में मजबूती, ओमिक्रॉन के कारण प्रतिबंध, ऑटो सेक्टर की मांग, सेमीकंडक्टर संकट और क्रूड की कीमतें रबड़ की कीमतों पर आगे चलकर असर डाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।